आ रही है आ रही है, साफ एकदम साफ आ रही है, साफ साफ एकदम केंट के केंट प्यूरीफायर के पानी की तरह, क्लियर एज क्रिस्टल। ओह माय गॉड, ओके थैंक यू। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख और सुन सकते हैं कि हम यहाँ पे इस ऐप से लाइव होते हुए हमारी जो आवाज है हमारे टीममेट्स को जा रही है। सो मिशन सक्सेसफुल, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो गाइस एक बार फिर बीजीएमआई वापस आ चुका है और काफी सारे लोग फिर से बीजीएमआई खेलने में बिजी हो चुके हैं। अब उनमें से काफी सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो लोग बीजीएमआई की लाइव स्ट्रीम भी करें अपने दोस्तों के साथ बीजीएमआई खेलते हुए। बट आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन से कभी भी बीजीएमआई की लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करते हो डायरेक्टली मोबाइल फोन से, तो आपको वॉइस चैट का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ता है। ये आपके टीममेट्स को आपकी आवाज नहीं जाती है, आपके लाइव स्ट्रीम पे सिर्फ आपकी आवाज जाती है और टीममेट्स को आपकी आवाज नहीं जाती है इन गेम। तो ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है जिसको यूज करके अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो तो आपके टीममेट्स को भी आपकी आवाज जाएगी और आपके लाइव स्ट्रीम पे भी आपकी आवाज जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आप फेस नहीं करोगे वॉइस चैट वाली। और मैं बात कर रहा हूँ इन गेम माइक आप लोग ऑन कर सकते हो अपने बीजीएमआई में। तो वो कौन सा लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बट उस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में भी एक प्रॉब्लम है, उससे अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम करोगे तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कौन सा वो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है और कैसे आप लोगों को लाइव स्ट्रीम करना है। तो जो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है ग्लिप, जिसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहां पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे और वहां से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को। जैसे आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप लोग जब इस ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को गूगल अकाउंट से अपने लॉग इन कर लेना है डायरेक्टली गूगल अकाउंट पे टच करके। जैसे आप लोग अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन कर लोगे तो उसके बाद में आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे रिकॉर्ड का एक बटन दिखाई देगा जहाँ पे आप लोगों को टच करना है रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे। नीचे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन दिखाई देगा सबसे लास्ट में, वहां पे आपको टच कर लेना है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे स्ट्रीम गेम वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है, ओरिएंटेशन को यहाँ पे लैंडस्केप पे रखना है और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नीचे देखोगे तो वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप लोगों को क्वालिटी को कस्टम पे सिलेक्ट कर लेना है। रिजोल्यूशन फिर आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कस्टम पे सिलेक्ट करने के बाद में। FPS को अपने हिसाब से सेट कर लो, यहाँ पे 30 FPS ही रखो मेरे, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। बिटरेट को भी आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो सेटिंग्स मिल जाएगी जहाँ पे आप लोग टच करोगे तो यहाँ पे आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन है इन गेम ऑडियो एंड माइक्रोफोन, ये वाला ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना, इतना आप लोग मेक श्योर कर लो। नीचे आप लोग इन गेम ऑडियो और माइक्रोफोन ऑडियो को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। लास्ट में आप लोग देखोगे तो फिक्स टीममेट्स नॉट एबल टू हियर योर वॉइस वाला ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको टच करना और ये जो परमिशन है इसको आपको अलाउ कर देना है गिफ्ट परमिशन वाले बटन पे यहाँ पे टच करके, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट परमिशन है। तो यहाँ पे ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको ग्लिप ऐप का जो ऑप्शन दिखाई देगा वहां पे टच करना है और यूज ग्लिप का ये जो परमिशन है इसको अलाउ कर दो, ऑन कर दो। अब हर फोन का अलग अलग थोड़ा सा सेटिंग्स दिखाई देगा तो जरूरी नहीं है मेरे फोन के जैसे ही आपके भी फोन में सेटिंग दिखाई दे, तो ये परमिशन लेकिन अलाउ करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के वजह से आप लोग अपने टीममेट से बात कर पाओगे और इन गेम जो माइक है वो ऑन कर पाओगे। इतना काम आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे वीडियो सेटिंग में तो आपकी जो वीडियो सेटिंग है वो 720p हो गई है। अगर वीडियो सेटिंग आपकी चेंज नहीं हुई है जो आपने अपडेट किया था तो आप लोग वापस से बैक करो और रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग एक बार वापस से वीडियो सेटिंग को सेट कर लो रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में। इस बार हम लाइव स्ट्रीम वाले ऑप्शन में नहीं रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में सेट कर रहे हैं। तो वहां पे आप लोग जैसे ही वीडियो सेटिंग अपने हिसाब से सेट कर लोगे जिस जो भी सेटिंग में आपको लाइव स्ट्रीम करना है उसके बाद जब आप बैक करोगे और लाइव स्ट्रीम वाले ऑप्शन में वापस से जाओगे तो आप लोग देखोगे कि आपकी जो वीडियो सेटिंग है वो अपडेट हो चुकी है, वो प्रॉपर हो चुकी है। अब इतना काम आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आप लोगों को यहां पे नीचे ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू स्ट्रीम वाला ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आपको टच करना है। यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन है बट यहाँ पे थंबनेल ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट उसका सॉल्यूशन है अपने पास। उसके लिए क्या करना है आपको डायरेक्ट नीचे जो बटन अवेलेबल है वहां पे टच कर देना और यहाँ पे वेयर डू यू वांट टू स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है कस्टम RTMP वाला, उसको आप लोगों को यूज करना है लाइव स्ट्रीम करने के लिए। अब कस्टम RTMP वाले ऑप्शन पे जब आप लोग टच करोगे तो यहाँ पे RTMP URL और स्ट्रीम की मांगता है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो आपके लाइव स्ट्रीम की कस्टम RTMP URL और की हासिल करने के लिए आप लोगों को अपने फोन में अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, मोस्टली आप लोग गूगल क्रोम यूज करते हो तो अपना गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। वो ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको URL जो ऊपर URL का बार होता है वहां पे आप लोगों को मैन्युअली टाइप करना है
studio.youtube.com, आपको खुद टाइप करना है यूआरएल को, ठीक है, studio.youtube.com ये टाइप करो आप लोग और उसके बाद एंटर कर दो। जैसे आप लोग एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, नीचे आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आप लोगों को टच करना है। जैसे आप लोग टच करोगे तो आपके सामने यहाँ पे अपना क्रिएटर स्टूडियो का जो डैशबोर्ड है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब हो सकता है आप लोगों को वहां पे डायरेक्टली ओपन ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल ऑलरेडी लॉग इन कर रखा था, इसलिए डायरेक्टली मेरा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया। तो अगर आप लोगों ने अपने ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन नहीं कर रखा है तो वहाँ पे आप लोग पहले अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन कर लो, तो डायरेक्टली आपका जो ये डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो बीच में आपको एक लॉगिन का भी स्टेप आ सकता है, तो आप लोग अपने उसी चैनल से लॉगिन कर लो जिसके ऊपर आप लोग लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो। तो फिर जैसे ही आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग अगर इस डैशबोर्ड पे थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे बटन दिखाई देगी गो लाइव की, तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पे टच कर लेना है। तो जैसे आप लोग इस पे टच करोगे तो आपके सामने आपकी लाइव स्ट्रीम का डैशबोर्ड जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एडिट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे टच करना है। जैसे आप लोग टच करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपने स्ट्रीम का टाइटल सेट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, जो भी टाइटल रखना है वो आप टाइटल यहाँ पे ऐड कर दो, अपने स्ट्रीम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दो, उसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिक रखना है आप लोगों को, क्योंकि आपको पब्लिक के लिए लाइव स्ट्रीम करना है। नीचे आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग गेमिंग कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे फिर गेम टाइटल में आप लोग यहाँ पे टाइप कर लो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, तो डायरेक्ट वो गेम को सिलेक्ट कर लो। फिर नीचे यहाँ पे आपको अपना थंबनेल लाइव स्ट्रीम का थंबनेल ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल ऐड करने के लिए टच करना है वो थंबनेल वाले ऑप्शन पे। उसके बाद में यहाँ पे थ्री डॉट्स पे टच करना है, अगर आपने पहले थंबनेल ऐड कर चुके हो तो ऐसे थ्री डॉट्स पे टच करना है, और थ्री डॉट्स पे टच करने का यहाँ पे 4-5 सेकंड वेट करना है, उसके बाद चेंज पे टच करना है। 4-5 सेकंड वेट नहीं करोगे तो आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसके बाद 4-5 सेकंड बाद आप जब चेंज पे टच करोगे तो आपका ये ब्राउजर ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो भी थंबनेल सिलेक्ट करना है वो थंबनेल सिलेक्ट करके अपलोड कर लो। उसके बाद बाकी सेटिंग्स भी यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, नो दिस इज नॉट फॉर किड्स वाला ऑप्शन और बाकी सारा ऑप्शन, टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी सेटिंग्स आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लो। और एंड में जब आपने सारी सेटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली, उसके बाद यहाँ पे नीचे सेव की जो ऑप्शन बटन दिखाई देगी वहाँ पे आप लोगों को टच कर लेना है और ये सारी सेटिंग्स को सेव कर लेना है। जब आप ये सारी सेटिंग्स को सेव कर लोगे उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम यूआरएल और स्ट्रीम की आपकी दिखाई देगी। तो इस स्ट्रीम यूआरएल को सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये स्ट्रीम यूआरएल को आप लोग यहाँ से कॉपी करोगे और उसके बाद में आप लोग वापस से जाओगे वहाँ पे अपने ग्लिप ऐप में, और वहाँ पे जाके आप लोगों को ये यूआरएल और की को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ग्लिप ऐप ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट वेयर टू स्ट्रीम पे चले जाता हूँ, कस्टम आरटीएमपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आरटीएमपी यूआरएल में जो यूआरएल हमने वहाँ से कॉपी किया वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो स्ट्रीम की का ऑप्शन है उसके लिए यहाँ पे जो स्ट्रीम की दिखाई दे रही है इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अपनी स्ट्रीम की भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे आपने अपना यूआरएल और की पेस्ट कर दिया उसके बाद नीचे ऐड लिंक की बटन दिखाई देगी, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद में आपका आरटीएमपी यूआरएल और की ऐड हो चुका है। अब डायरेक्ट आप लोग स्टार्ट स्ट्रीमिंग वाले बटन पे टच कर सकते हो और डायरेक्ट आप लोग लाइव जा सकते हो अपने इसी लाइव स्ट्रीम पे जो लाइव स्ट्रीम आपने अभी क्रिएट किया है। और सबसे अच्छी बात यह कि अब कोई भी वॉइस चैट का इशू आपके लाइव स्ट्रीम पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपके टीममेट्स को भी आपकी आवाज जाएगी इन गेम और आपके लाइव स्ट्रीम पे भी आपकी आवाज जाएगी एकदम प्रॉपरली, आप लोग एकदम प्रॉपर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन से। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसे ही लाइव स्ट्रीम रिलेटेड और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो इस चैनल को चेक करो, आपके काम की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी।